नमस्कार, मैं हूं अजीत अन्नुम। आप देख रहे हैं न्यूज 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आसाराम की जमानत याचिका जोधपुर में खारिज हो गई। जोधपुर की अदालत ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब आगे का वक्त उन्हें जेल में बिताना पड़ सकता है, लेकिन अभी मौका है उनके लिए। जोधपुर हाईकोर्ट में आसाराम के वकील कल या परसों बेल के लिए अपील करेंगे। उसके बाद देखना होगा कि हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी मुश्किल आसाराम के लिए, उन्हें उम्मीद थी, आसाराम के वकीलों को उम्मीद थी कि जोधपुर अदालत से उन्हें राहत मिलेगी, उन्हें जमानत मिलेगी। लेकिन आज सबसे मुश्किल, आज से शुरुआत हो गई उनकी मुश्किल की, क्योंकि पहली अदालत में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई, यानी पहली लड़ाई आसाराम हार चुके हैं। अब देखना है कल हाईकोर्ट में क्या होगा। लेकिन हमारे साथ कई मेहमान हैं। जोधपुर से हमारे संवाददाता धीरज भटनागर हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आसाराम के पास क्या विकल्प हैं और पहली लड़ाई हारने के बाद आसाराम की के मुकदमे पर क्या फर्क पड़ेगा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हम लगातार पिछले 5 दिन से हम लगातार इस खबर पर बने हुए दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आसाराम के खिलाफ पुलिस के पास क्या सबूत हैं, आसाराम के पास क्या विकल्प हैं, आसाराम के साथ क्या अदालत का बर्ताव हो सकता है। और आखिर वही हुआ जो लगातार 2-3 दिन से न्यूज 24 के स्टूडियो में बैठे मेहमान और पैनल बता रहे थे, लीगल एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि बहुत मुश्किल है आसाराम को जमानत मिलना। उनके खिलाफ जैसे मामले हैं, संगीन धाराओं में जो उनके खिलाफ इल्जाम लगाए गए हैं, पुलिस ने जांच में जो प्रथम दृष्टया आरोपों को जिस ढंग से सही पाया है, ऐसी हालत में उनके लिए जमानत मिलना करीब करीब मुश्किल है। वही हुआ है, आसाराम को जमानत नहीं मिली है। संत, परम आदरणीय, परम पूजनीय, भक्तों के बीच बापू के नाम से मशहूर आसाराम की मुश्किल आज से शुरू हो गई है। 2 रातें जेल के भीतर वो गुजार चुके हैं। कल या परसों अगर उन्हें हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी तो अगले 12 दिन तक उन्हें जेल में रहना होगा। उसके बाद देखना होगा कि उनकी लड़ाई किधर जाती है। लेकिन एक मुश्किल की शुरुआत आसाराम के लिए हो चुकी है। हमारे साथ कई मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे अदालत के बाहर सरकारी वकील और आसाराम के वकीलों ने क्या कुछ कहा। उस पे 2 दिन बहस के बाद जो हमने पॉइंट रेज किए थे, उस संबंध में माननीय न्यायालय ने उन सभी मतों को स्वीकार करते हुए आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि जितने भी पॉइंट हमने उठाए हैं वो पॉइंट सब कंसीडर करके उस जमानत याचिका को खारिज कर दी गई है। क्योंकि जब हमने बहस की थी उसमें 164 के बयान और FIR में जो बातें उसने लिखी थी पीड़िता ने, मेरा ऐसा मानना है उस सब बातों को कंसीडर किया गया है डिटेल में। अब जब भी हमारे पास फैसला आ जाएगा आपको बता दिया जाएगा। पुरोहित जी, सबसे जबरदस्त औजार और हथियार कौन सी दलील थी आपकी जिसको अदालत ने सबसे ज्यादा? मैं एक हथियार से मुकदमा नहीं लड़ता हूँ, मैं हमेशा 100 हथियार लेके मुकदमा लड़ता हूँ। रिश्वत की बात और धमकी की बात भी उसका कितना है? ना तो मैं रिश्वत की बात को ध्यान देता हूँ ना धमकी से बात देता हूँ। मेरे ख्याल से ऐसे कृत्य करने वाले को इससे ज्यादा बड़ा कोई झटका हिंदुस्तान में कोई न्यायपालिका नहीं दे सकती। मतलब ये बात तो ये थे सरकारी वकील आनंद पुरोहित। इन्होंने कहा ऐसे कृत्य करने वाले को हिंदुस्तान में न्यायपालिका इससे कड़ी सजा नहीं दे सकती। एक तरह से उन्होंने जमानत को खारिज करने को सजा की तरह कहा है। अब आसाराम के वकीलों ने क्या कहा अदालत में और अदालत के बाहर, आसाराम के वकील से सुनते हैं। उसके बाद हम बातचीत जारी रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आसाराम की मुश्किलों की शुरुआत किस तरह से हुई है। कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम थी, जैसा कि अक्सर टेक्निकल प्रॉब्लम होती है जो हमारे हाथ में नहीं होता है। आसाराम के वकील थे, उनके अपने तर्क थे और आखिर में उन्होंने अदालत में जो कुछ भी अदालत का फैसला है उसका स्वागत किया। लेकिन 2 दिन तक लगातार हमने तस्वीरें दिखाई, अदालत में जो बहस हो रही थी वो खबर भी दिखाई। अदालत में आसाराम के वकीलों ने तमाम तरह के तर्क दिए, दलीलें दी, आसाराम को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। आसाराम के वकीलों ने यह भी कहा कि उस नाबालिग लड़की की उम्र, उस पीड़ित लड़की की उम्र 16 नहीं 18 साल है। सरकारी वकील ने कहा, यह कहकर आसाराम के वकील
कंसेंट सहमति का मामला साबित करने की कोशिश कर रहे थे अदालत में। आसाराम की उम्र का हवाला भी दिया गया, आसाराम की संतई का भी हवाला दिया गया, तमाम तरह की दलीलें दी गई और कंस्पिरेसी की बातें भी कही गई, लेकिन अदालत ने सारी बातों को खारिज करते हुए अदालत ने जमानत की याचिका खारिज कर दी। हम इस पर बातचीत करेंगे, कुछ साधु संत भी हमारे साथ होंगे, जस्टिस फखरुद्दीन भी हमारे साथ हैं और धीरज भटनागर हमारे संवाददाता जोधपुर से जो लगातार खबर दे रहे हैं जोधपुर से, वो भी हमारे साथ हैं। पहले चलते हैं धीरज भटनागर के साथ, हमारे संवाददाता जोधपुर से। धीरज, आपने ब्रेक के पहले, कुछ देर पहले हम आपसे बात कर रहे थे, तब भी आपने कई तरह की तर्क दलील जो अदालत में हुई वो देखा, दिया, बताया, लेकिन हम एक बार समझना चाहेंगे, दर्शकों को ये बताने की जरूरत है कि जो दलीलें दी गई आसाराम के बचाव में उसको अदालत ने कैसे सही नहीं माना और सरकारी पक्ष, सरकारी वकील की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या तर्क दिए गए जिसके आधार पर आसाराम की जमानत याचिका खारिज हो गई। अगर हम पॉइंट वाइज देखें अजीत जी, बिल्कुल साधारण सी बात है। सबसे पहली बात ये कहा गया कि वो लड़की वहां पर खुद गई थी, उसे बुलाया नहीं गया था, जबकि ये बात ऑन रिकॉर्ड्स है। शिवा ने स्वीकार करा है कि वो लड़की को वही वहां पर मिला के आया था, आसाराम के पास ले गया था। दूसरी दलील ये कहा गया कि पहले आसाराम यहाँ थे ही नहीं, जिसे बाद में स्वीकारा गया और आसाराम ने खुद मान लिया कि वो कुटिया में लड़की के साथ थे। दो झूठ एक साथ, एक के ऊपर एक बोलते गए। तीसरी दलील, आसाराम की तबीयत खराब है लिहाजा उन्हें बेल दी जाए। लगातार जोधपुर पुलिस उनका मेडिकल करा रही है और मानसिक और शारीरिक दृष्टि से बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है, वहां ये खारिज हो गई। चौथी बात कि हमारा क्लाइंट किसी भी गवाह को टेम्पर नहीं करेगा, किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जबकि हाथों हाथ डीसीपी के पास धमकी का एक फैक्स आ जाना और हाल ही में लड़की को फिर से एक बार धमकाया जाना, ये सब चीजें उल्टी पड़ती चली गई। सारी सारे तर्क, जी जी, आपने बताया धीरज, सारी बातें, सारी दलीलें उल्टी पड़ी और आसाराम की जमानत याचिका खारिज हो गई। हमारे साथ स्टूडियो में संत भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं जस्टिस फखरुद्दीन के पास। जज साहब, चूंकि आप पूरे मामले को देख भी रहे थे, न्यूज 24 के स्टूडियो में तर्क वितर्क के दौरान भी आप मौजूद थे, सबसे पहली बात आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब आसाराम के पास क्या विकल्प है और कितनी गुंजाइश है हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलने की? जी, उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय राजस्थान जो कि जोधपुर में जिसका मुख्यालय है, वहां पर ये जमानत की याचिका लगा सकते हैं और ये वहां जाएंगे जैसा कि उनके वकीलों ने कहा है। तो एक इनके पास यही विकल्प है, वहां अपनी इन बातों को दोहराएंगे, आदेश को अध्ययन करेंगे, उसमें अगर कुछ और समझ में आता है। लेकिन जो आपके मुक्ता भटनागर जी ने, अभी धीरज जी ने जो बताया है, इन बातों को वहां पुनः दोहराएंगे और अपना प्रयास करेंगे। लेकिन इनके सामने जो कठिन समस्या है, वो जबरदस्त समस्याएं हैं, अपराध की गंभीरता है, इनका अपना चालचलन और कंडक्ट है, और इस प्रकार से अभी दो मुलजिम और हैं जो कि फरार हैं, दो मुलजिम फरार हैं। पुलिस ये तर्क दे सकती है कि जो फरार मुजलिम है पहले उनकी गिरफ्तारी की जाए, उनसे जांच पूछताछ की जाए, क्योंकि बाहर आकर आसाराम सबूतों को, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। पीड़ित पिता की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि उन्हें धमकाया जा रहा है, कहीं ये सब कंसिडरेशन हाईकोर्ट में भी होगा और हाईकोर्ट में भी मुश्किल हो सकती है उन्हें जमानत मिलने में। जस्टिस फखरुद्दीन जी, अवश्य अवश्य, ये जितने कंसिडरेशन है, एक प्रथम दृष्टा जो ऑर्डर है ये इनके खिलाफ है और इस पर ही इनको अपनी दलीलें देनी पड़ेंगी। कितना संतुष्ट कर पाते हैं, अभी जो दलीलें आई हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, उनमें बहुत गंभीरता है और बहुत गंभीरता पूर्वक उन्होंने अपनी बात रखी है जी, और कानून की दलीलों के साथ। जैसा मैं आपके पास वापस आऊंगा, जैसा मैं आपके पास आऊंगा, आपसे बात करूंगा फिर, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में है ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज। मेरे ख्याल से संतों की तस्वीर कई तरह से हमने देखी, आप भी संत की तरह लग रहे हैं, दर्शक आपको देख रहे होंगे, और एक संत आसाराम भी थे, 40 साल से संतई कर रहे थे, इतने आश्रम हैं, इतने हजारों लाखों उनके फॉलोअर्स हैं, दुनिया के कई देशों में प्रवचन देते हैं, देश भर में प्रवचन देते हैं, और आसाराम, अब उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई, तो इसको पहले तो आप किस तरह से देखते हैं? संतों का जो पूरा चरित्र है, संतों की जो छवि है, लगता नहीं कि आसाराम के जेल जाने के बाद दर्शकों के मन में या लोगों के मन में संतों की छवि कुछ धुमिल हुई है? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपके ही स्टूडियो में ये बात कहना चाहूंगा कि संत जैसे लग रहे हैं, ठीक है, आपका बोलना इस समय, इस जो कार्य
इस बीच हुए हैं संत के माध्यम से करोड़ों भावनाओं पर ठेस पहुंची है हिंदू समाज के अनुयायियों में। आपकी भावना ठीक है कि हम संत जैसे लग रहे हैं, हम हैं कि नहीं अभी इसका दावा हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है, उसके पश्चात तब तक हम कहीं स्वच्छ और निर्मल पवित्र बने रहें तब तक जाकर हम कहीं संत साबित होंगे। ये आज हमें कहना पड़ रहा है, बड़ा दुख है कि हम समाज के समक्ष ये बात प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम संत हैं कि नहीं है। एक बहुत बड़ी धारणा विपरीत दिशा में चली गई है, दशा में चली गई, लेकिन वो चली गई, उसका कारण कहीं ना कहीं आसाराम बापू जी बने हैं। मैं यही कह रहा हूं कि ऐसे संत जब जब आए हैं, चाहे वो पहले भी कई ऐसे नित्यानंद जी भी आए हैं, उससे पहले के बालू जी महाराज के ऊपर लांछन आया। देखिए मैंने पहले भी कहा था, आज से पहले भी दो तीन दिन पहले भी एक स्टूडियो में मैंने ये बात कही थी कि आसाराम बापू जी को चाहिए था कि उन्होंने जब संबंध पाया उसी समय उनको स्पष्ट होकर के समक्ष आना चाहिए था। हमारे भगवान राम को परीक्षा देनी पड़ी है, हमारे भगवान कृष्ण को सेमंतक मणि चुराने के लिए लांछन लगाया गया, उनको कहीं ना कहीं परीक्षा देनी पड़ी है। तो हम जैसे संतों के ऊपर भी कभी आरोप या प्रत्यारोप होता है तो हमें स्पष्ट करना चाहिए, हमें समक्ष आना चाहिए। रही बात आपके हिसाब से आसार, देखिए यहाँ तो संतों में भी दो फाड़ है। हाँ। बहुत सारे ऐसे संत, साधु संत या बहुत सारे महामंडलेश्वर टाइप के लोग हैं जो आसाराम को बचाव कर रहे हैं। अभी तक तो आप इतने, हम भी आज लगभग 15 दिवस से ये मामला सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभी तक कोई संत उनके समक्ष आया नहीं। लोगों का ये कहना है कि जब तक उन पर आरोप साबित नहीं हो जाए तब तक उनके खिलाफ जो ये पूरा मामला, ये तो किसी व्यक्ति, ये तो बड़े बड़े नेताओं के ऊपर होता है, जब तक आरोप साबित नहीं होता है सब लोग इस्तीफा मांगा जाता है, इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, उनके संत का इस्तीफा ये हो सकता है कि उनको संत ना माना जाए उतने दिन तक, आप इससे ज्यादा क्या करेंगे? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नेताओं पर, मंत्रियों पर इल्जाम लगता है, उन्हें नौकरी, सॉरी, उन्हें उनकी कुर्सी जाती है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है, की मांग उनके होती। उनके संपत्ति की कुड़क की जाए, उनकी संपत्ति पर रोक लगा दी जाए, उनसे कोई व्यापार या जो भी कुछ उनके आश्रमों से चल रहे हैं वो सब रोक दिए जाए। ये तब तक के लिए किया जा सकता है जब तक उस संत का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो जाता है, वो उसमें कहीं ना कहीं दोषी है या नहीं। आप एक बात बताइए, डॉक्टर कोई गलती करता है, मास्टर कोई गलती करता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एक आम आदमी से भी गलती होती है, तो क्या उसको तब तक उस स्थिति तक स्वीकार किया जा सकता है? जब तक न्यायिक निर्णय नहीं हो जाता है, जब तक न्यायालय के द्वारा कोई, सही बात है, न्यायिक निर्णय जब होगा तब होगा, लेकिन अब इल्जाम जो लगा है जिसमें प्राथमिक आधार पर पुलिस ने जो जांच की है, पुलिस ने सही पाया, अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज की। मैं आपके साथ हूँ, मैं समाज के साथ हूँ, और मैं फिर यही कह रहा हूँ, मैं संत हूँ या नहीं ये दावा मेरा तब सही होगा जब मैं उस संत वाले पूर्णतया कार्यों को सिद्ध करके, और तो आप ये मान रहे हैं कि आसाराम का जो आचरण था वो संतों के आचरण के खिलाफ था? नहीं, जब तक उन्होंने इस व्यवहार को दूषित नहीं किया था, जब तक उन्होंने इस कुकर्म को, कृतिक को नहीं किया था जो अभी निश्चित नहीं है, तब तक उनका स्वभाव संत वाला था, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनका कार्य संत वाला ही था। एक संत के अंदर जो भावनाएं होनी चाहिए वही थी, उससे जुड़ी हुई श्रद्धा लोगों की थी, किसी संत के व्यक्तिगत व्यवहार से श्रद्धा नहीं जुड़ी थी, संत के अंदर किए हुए कार्यों से, तपश्चर्या से जुड़ी हुई थी। चलिए, आपने कम से कम माना ओंकारानंद जी। हम इंतजार कर रहे हैं कि ब्रेक के बाद हमारे पास हो सकते हैं आसाराम के समर्थक अभय वर्तक, मुंबई से जुड़ेंगे। अभय वर्तक को लगातार न्यूज 24 के दर्शक पिछले 3 दिनों से देख रहे होंगे, आज सुबह भी काफी देर तक होना हमने उनसे बातचीत की, और लगातार वो मीडिया को ही जिम्मेवार ठहराते रहे कि मीडिया की वजह से आसाराम जी की छवि खराब हो रही है। अभय वर्तक जी हमारे साथ हैं क्या? अभय वर्तक जी हमारे साथ आ चुके हैं। अभय वर्तक जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे सवाल, क्योंकि आज सुबह भी मैं आपसे बात कर रहा था, आप काफी नाराज भी हो रहे थे और इल्जाम आपका मीडिया और न्यूज 24 पर भी था। अब जो फैसला आया है, जमानत की याचिका खारिज हुई है, वो अदालत से आया है, अदालत ने खारिज की है, अब इसको स्वीकार करेंगे या अभी भी आपको लगता है कि मीडिया ने उनकी जमानत खारिज कर दी याचिका? मुझे जो अभी अभी भी मैंने खबर भी सुना, तो हर एक भक्त को तो उसके तो दुख तो होगा कि बापूजी का मतलब आज जमानत नहीं हुई, लेकिन मुझे हमारा पूरी तरह से विश्वास न्याय देवता के ऊपर है और उसको हम पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारा ये भी विश्वास है कि यही न्याय देवता बापूजी की सच्चाई लोगों के सामने लाएगी कि बापूजी पूरी तरह से निर्दोष है, ये भी साबित करेंगे, और यही हमें जानता है कि भगवान है और वो तो सच्चाई लोगों के सामने जरूर लाएगा। हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आसाराम को
निचली अदालत से तो उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई, क्या हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल पाएगी? और आसाराम की जमानत याचिका अगर खारिज हो गई है तो क्या मान लिया जाए कि आसाराम के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और आसाराम की मुश्किलें शुरू हो गई है? अगर एक संत यौन उत्पीड़न के मामले में यूं जेल जाता है तो उसे संत परंपरा को कितना नुकसान होता है? और इसके बावजूद आसाराम के समर्थक अब भी उन्हें बेगुनाह मानने पर क्यों तुले हुए हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि उनके पास काफी सबूत हैं और अदालत ने उन्हीं सबूतों के आधार पर आसाराम की जमानत याचिका खारिज की है। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे अभय वर्तक से, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हिमांशु व्यास कांग्रेस नेता है। हिमांशु जी, अगर ये माना जाए कि कांग्रेस की लापरवाही थी, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में कई दिन लिए या जोधपुर पुलिस की लापरवाही थी, कई दिन लगे, लेकिन आज के नतीजे को देखें तो जाहिर है पुलिस की जांच के आधार पर आसाराम की जमानत याचिका खारिज हो गई। अब सवाल ये उठता है कि अब वक्त नहीं आ गया आपको लगता है कि आसाराम के 45 आश्रम गुजरात में है, आसाराम के 25 आश्रम राजस्थान में है और कई आश्रमों पर आरोप है लैंड ग्रैबिंग के, जमीन कब्जे के। सूरत प्रशासन ने कल ही सुबह आसाराम के आश्रम को 18 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस दिया है। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि आसाराम के आश्रमों की जांच होनी चाहिए? अजीत जी, आपको पता होगा कि परसों जब मैं आपकी चैनल पे आया था उस वक्त मैंने एक मांग की थी और अपने पूर्व हाईकोर्ट के जज भी अंदर बैठे हुए थे, वो भी हमारे साथ थे उस दिन। मुझे लगता है कि उनके सारे आश्रमों को पहले रेड करो, क्योंकि सब जगह पे क्रिमिनल्स को वहां प्रोटेक्ट करके रखा गया है। जर्नलिस्टों को मारना, आम प्रजा जब आवाज उठाती है तो उनको मारना, ये सारी एक्टिविटी वहां से चल रही है। और मुझे लगता है कि इस केस में आगे जाते जाते आपको सीबीआई इंक्वायरी भी लानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको। इसमें एंटी सोशल के सिवा और सारी चीजें, इसमें आपको मनी लॉन्ड्रिंग का भी बड़ा स्कैंडल मिलेगा, बहुत सारी कनेक्टिविटी इसमें से आपको एंटी सोशल मिलेगी। मुझे तो ये बताएं, ये सब जो आप आज बात कर रहे हैं, आसाराम के 25 आश्रम, आसाराम के 25 आश्रम राजस्थान में भी है, राजस्थान में आपकी सरकार है करीब 5 साल से, और गुजरात में भी अगर 45 आश्रम है तो ज्यादातर आश्रम कांग्रेस की सरकारों के समय बने हैं, तो क्यों सरकारें, राज्य सरकारें क्यों ऐसे संत जिनके आश्रम पर लैंड ग्रैबिंग के आरोप होते हैं, उन आरोपों के बाद भी उनका साम्राज्य विस्तार कैसे होता है? अजीत भाई, मुझे लगता है कि आसाराम जी हर दफे कायदे की चुंगाल से बाहर निकल जाते थे, कई जगह पे सोशली अपने आगे सब अपने समर्थकों को लेके घेराव करके मीडिया को दबा के ये सारी चीजें करते थे। लेकिन हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए कि आज ये पकड़ में आए हैं, अगर ये पकड़ में आए हैं तो उसको जाने नहीं देना चाहिए। चलिए अब आप सुन रहे हैं।